नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की घर वापसी और कश्मीर में अलगाववाद की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, कश्मीरी पंडित पिछले करीब 25 साल से विस्थापित हैं, लेकिन इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर या कहीं भी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। देखिए जाला जी, ये दुर्भाग्य है कि इस देश में जो तुष्टिकरण की राजनीति लंबे समय से चली आ रही है, जहां पर धर्म को वोट बैंक मानकर राजनीति की जाती है, उसी का एक हिस्सा ये भी है कि देश का एक बहुत ऐसा संजीदा मसला जो आज़ादी के बाद से हमारे लिए नासूर बना हुआ है, हमारे देश के सिर पर रखा हुआ ताज हमारा कश्मीर, पूरी तरह से हमारा आज़ादी के बाद नहीं हो पाया। क्योंकि जो घटनाक्रम चला, उसके इतिहास की जो परतें हैं खोलने पर देखेंगे तो सब जानते हैं कि पेचीदा मसला था, जिसको उस समय ठीक तरीके से नहीं संभाला गया और इसीलिए ये आज तक हमारे लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ का कारण बन गया है। आप ये देखिए कि कश्मीर केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, कश्मीर सामरिक दृष्टि से भी हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच में यदि कोई एक बड़ा हिस्सा है जहां से हम रणनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत बना सकते हैं तो वो कश्मीर का हिस्सा है। और उस पर गिद्ध दृष्टि लगातार चीन की अरुणाचल और अन्य हिस्सों के साथ कश्मीर पर भी लगी हुई है। तो चीन, पाकिस्तान और बाकी सब लोगों से निपटने के अलावा एक ऐसा खूबसूरत टुकड़ा जिसको हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि गर बर्रुए जमी फिरदौस अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, मतलब कि धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में ही है, कश्मीर में ही है। कश्मीर में ऐसे खूबसूरत, कश्मीर की घाटियों में बर्फ जब से लाल होनी शुरू हुई तब से ये समस्या शुरू हुई। वहां पर धर्म के नाम कर पाकिस्तान के द्वारा शह दिए गए आतंकवादियों के द्वारा जिस तरीके का खेल खेला गया, घाटी ने उस आग को, उस अलगाववाद की सियासत को और नफरत की उस आंधी को बहुत करीब से देखा है। और उसके बाद एक जो दौर चला जिसमें वहां से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दौर शुरू हो गया, मुझे लगता है एक दुर्भाग्यपूर्ण दौर था। और ये बात सही है कि जिस तरीके से हम आज भी 47 के बाद विभाजन की त्रासदी को याद करते हैं, उस पर कई नाटक लिखे गए, फिल्में लिखी गई, उपन्यास लिखे गए, लेकिन कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से विस्थापन को लेकर न कोई अच्छी मजबूत फिल्म बनी, न कोई उपन्यास लिखा गया, न साहित्य में उसकी चर्चा हुई। राजनीति ने तो खैर उसको एक अनजाना सा विषय बनाकर छोड़ दिया। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही पीडीपी की सरकार कश्मीर में चल रही है, ये मुद्दा लगातार बड़ा होता जा रहा है, खासतौर पर तब जब खुद वहां पर ये पहल की गई कि पंडितों के लिए अलग से एक कॉलोनी बनाकर उनको वहां बसाया जाए और उसका विरोध हुआ और उस कदम को वापस लेना पड़ा वहां के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को। मुझे लगता है कि आपने ठीक कहा है कि इसके बारे में जितनी चर्चा होनी चाहिए थी जिस गंभीरता के साथ, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार ने कोशिशें शुरू की हैं, लेकिन इसी बीच अलगाववादियों ने विरोध शुरू कर दिया है पंडितों की वापसी का। देखिए, शुरुआती जो कदम उठाया था मुझे लगता है कि मुस्लिम साहब की सरकार ने, उसमें ही गलती हुई थी कि मसरत आलम जो इतना बड़ा अलगाववादी नेता है, जिसने अलगाववाद का जहर बोने का वहां पर काम किया है, जिसने पत्थरबाजी की जो बड़ी घटनाएं चालू हुई थी घाटी में उसका नेतृत्व किया था, उसको खुलेआम सड़क पर छोड़ दिया गया। एक तरफ हम कहते हैं कि लखवी को जो है वो रिहा नहीं किया जाना चाहिए पाकिस्तान की जेलों से, और हमारी जेल से ऐसे लोग रिहा हो जाते हैं जो कि लगातार, और अब आप देखिए उसने छूटने के बाद क्या किया है, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे खुलेआम लगाए हैं जिसके वीडियो सब जगह वायरल हैं, वहां पर उसकी सभा में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। तो मुझे लगता है कि ये बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए कि कश्मीर की घाटी में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे। और सवाल ये नहीं है कि क्या वो लोग ये कहते हैं कि हम आजादी चाहते हैं, वो हिंदुस्तान से अगर आजादी चाहते हैं तो पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे क्यों लगाते हैं, पाकिस्तान के झंडे को वहां पर क्यों फहराते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सवाल कश्मीर की आजादी का नहीं है, पाकिस्तान की शह पर खड़े किए हुए ये उनके जो पिट्ठू हैं वो लगातार घाटी में एक ऐसा माहौल, आप देखिए एक बहुत अच्छा समय कश्मीर में आया जब वापिस से पर्यटक वहां जाने लगे, डल झील में फिर से शिकारे तैरने लगे, और अब उस माहौल को खराब करने की जब कोशिश की जा रही है, और ऐसे वक्त में जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके एजेंडे में कश्मीर और राष्ट्रवाद बहुत प्रमुख रहा है, ऐसी राष्ट्रवादी सरकार की आंखों के सामने यदि पाकिस्तान का झंडा फहराकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं
तो वो कदम उठाया ही जाना चाहिए था कि जिसके तहत मसरत आलम को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आप देखिए घाटी का इतिहास रहा है कि वहां पर वो जो आदमी आतंकवादी है उसको हीरो बनाकर शहीद बनाकर उसको त्याग करने वाला बताकर प्रस्तुत करने की कोशिशें होती है, और उसी कोशिश के तहत मसरत आलम की गिरफ्तारी के बाद से लगातार वहां पर पत्थरबाजी की और पुलिस से भिड़ंत की घटनाएं भी हो रही है। इन सबको एक नियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। घाटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाढ़ के समय बचाने आने वाली सेना पर भी पत्थर फेंकते हैं। इन लोगों को जब तक घाटी से अलग नहीं किया जा सकता, कश्मीरी पंडितों को वहां ले जाकर बसाना बहुत मुश्किल काम होगा। यह माना जाना चाहिए कि मुशर्रफ की रिहाई एक सरकार का गलत फैसला था। निश्चित तौर पर अब कहा यह जरूर जा रहा है कि वो चूंकि कोर्ट में इस तरह का कोई प्रस्तुत नहीं किया गया प्रमाण और ये एक न्यायिक प्रक्रिया थी जिसके तहत वो छूट गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मसरत आलम को छोड़ा जाना चाहिए था। मसरत आलम ने देशद्रोह का कार्य किया है, बल्कि उन पर और कठोर धाराएं लगाकर मसरत आलम को जेल में रखने के अलावा ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देने का की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे इस तरह की हरकतें करने वाली ताकतों को एक सबक मिले। आप देखिए जिस हाफिज सईद को लेकर हम लगातार परेशान रहते हैं, जिस हाफिज सईद को लेकर हम पाकिस्तान सरकार से लगातार बात कर रहे हैं, जिसको हम मुंबई हमले का मास्टरमाइंड मानते हैं, उस हाफिज सईद ने तो खुलेआम अभी हाल ही में पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में यह साफ कहा है कि कश्मीर की समस्या पर पाकिस्तान उनकी पूरी मदद करता है और पाकिस्तान की सेना उनका साथ देती है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी मंच बने हैं उन्हें क्या प्रमाण चाहिए इस बात का कि पाकिस्तान इस सारी हरकत में शामिल है। जगदीप जी, कश्मीरी पंडित जो है होमलैंड की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें अलग बसाना चाहिए या उन्हीं कश्मीरियों के बीच में? मुझे लगता है कि अलग बसाना समस्या का हल नहीं है। आप देखिए कि बरसों से चली आ रही अरब और यहूदियों की जो समस्या है जिसको हम देखते हैं फिलिस्तीन में और अरब गाजा पट्टी का जो पूरा मसला है उसमें भी यहूदियों की कॉलोनियां अरब के लोगों के सीने पर बसाने की कोशिशें की गई थी और उन कोशिशों के बावजूद वहां पर आज भी मिसाइलें दागी जाती हैं, हजारों लाखों बेगुनाहों का कत्ल हो चुका है इस नाम पर। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरीके से पानी में लकीर पैदा कर सकते हैं। आपको इसमें दूध और पानी की तरह मिलाना होगा लोगों को। उनकी जमीन है, उनके घर है वहां पर, उन्हें फिर से ठीक तरीके से बसाना होगा। कोशिश सिर्फ ये करनी होगी कि जो लोग वहां पर माहौल बिगाड़ने का, फिजा बिगाड़ने का, राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं, उन ताकतों को अलग करते हुए फिर कश्मीरी पंडितों को बसाने का काम करना होगा, क्योंकि वो ताकतें जब तक वहां होंगी वो ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेगी। अलग कॉलोनी बसाना मुझे नहीं लगता कि एक सही उपाय है। लेकिन क्या लगता है कि वो दूध और पानी की तरह मिल पाएंगे वहां? वो नहीं भी मिल पाएंगे तो ऐसी कोशिशें लगातार करनी होंगी। वो लोग जो दूध पानी को एक नहीं होने दे रहे, आप उनको अलग कर दीजिए, देखिए दूध और पानी मिलेंगे। सारे के सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो चाहते हैं कि वहां कश्मीरी पंडित ना जाएं, लेकिन जो चंद लोग हैं वो वहां पर इतने मजबूत हो चुके हैं, उनका खौफ इतना ज्यादा है कि जो अच्छे लोग हैं वो मजबूर हैं। तो हुआ यही है ना कि जो लोग बुरे थे वो वैसे बहुत कम थे, लेकिन अच्छे लोगों ने डर के मारे कश्मीर छोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि दहशत बढ़ती जा रही थी। अच्छे लोग अगर वहां हैं भी तो अपना छोटा मोटा व्यापार करके अपना काम चलाने पड़े, वो लोग अपनी आवाज मुखरता से सामने नहीं ला पाते। तो सरकार को वहां सेना लगाने के अलावा सबसे बड़ा काम ये करना होगा कि जो अच्छे लोग हैं वो सामने आ सकें। जो लोग लगातार वहां पर फिरका परस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों को हाशिए पर धकेल कर उनकी ताकत को कमजोर करना मुझे लगता है सही रणनीति होगी, और जब वो कमजोर होंगे तो बाकी चीजें धीरे धीरे अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।